हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स में क्वेश्चंस को। कल हमने इसके बारे में जब डिस्कस किया था तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने सभी फॉर्मूलों को डिस्कस किया है गाइस। ओके, आज हम लोग इन पे क्वेश्चनों को डील करते हैं। चलिए समझते हैं गाइस, लेट्स सी गाइस। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चंस। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपेंड एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट उसने आपसे पूछा है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। कहना क्या चाह रहा है आपसे उसने, ये प्लास्टिक बॉक्स है, ये कोई प्लास्टिक बॉक्स है। ओके, और ये प्लास्टिक बॉक्स में उसने आपको बताया कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। ओके, उसने लेंथ गिवन कर दी है 1.5 मीटर की, वाइड गिवन कर दी है 1.25 मीटर और ये 65 सेंटीमीटर उसने आपको गिवन कर दिया है। ओके, 65 का मतलब क्या है, 65 का मीनिंग ये हो गया आपके पास कि ये इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना होगा आपको उसे, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब बात को समझिए। जब उसने आपको गिवन कर दिया है कि लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 1.25 मीटर एंड हाइट उसने गिवन की है 65, इट मीन्स सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको गेट हो जाएगा 0.65 मीटर। ओके, ये पॉइंट आपको गेट हो गया होगा गाइस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसने पूछा आपसे कि जब मेरी शीट में ये जो बना हुआ है मेड, इट इज ओपेंड एट द टॉप, यानी टॉप से क्या कह रहा है, ये टॉप से ओपन कह रहा है, ठीक है ना। जो कोई चीज़ टॉप से ओपन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, बॉटम तो इंक्लूड है बट टॉप क्या है, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब टॉप को इंक्लूड नहीं किया तो टॉप पे होती है गाइस लेंथ और ब्रेथ, उसको इग्नोर करना है मुझे। उसने कहा ना यहाँ पे कि इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, ठीक है। यानी इट मीन्स मुझे ओपन, जो मेरा टॉप से जो भी ये बॉक्स ओपन है तो उसमें से लेंथ ब्रेथ माइनस हो जाएगी तो उसका जो एरिया आएगा, जिसने पूछा द एरिया ऑफ द शीट, तो शीट का जो एरिया होगा वो क्या होगा गाइस, समझते हैं गाइस। द एरिया ऑफ द शीट, टोटल शीट आप पूरे टोटल सरफेस एरिया पे गेट करेंगे इसके। ओके, यानी सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है, क्योंकि पूरे टोटल पे आप क्या करेंगे, शीट यूज करेंगे इस बॉक्स पे, तो उस पूरे बॉक्स का क्या ऐड करना है तुम्हें, टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, उसमें से अब टोटल में ओपन भी आ रहा है यानी टॉप भी आ रहा है, ये टॉप एरिया आ रहा नहीं आ रहा है क्योंकि टोटल में टॉप आ गया। तो जब टॉप आ गया गाइज तो क्या करना पड़ेगा अब आपको, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि इसका टॉप उसने क्या कहा है, ओपन है। जब ओपन है तो माइनस कर दो किसका, एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। ओके, यहां तक आपको आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो आपने ऊपर टॉप का बॉक्स किया उसे लिख लीजिए एरिया ऑफ द ओपन टॉप, इसे टॉप कर लीजिए गाइस। ओके, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो गाइस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स कितना हो गया, 2 LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है तो क्यूबॉइड बन गया, माइनस एरिया ऑफ ओपन टॉप, ओपन टॉप में होती है लेंथ और ब्रेथ, इसको माइनस कर लीजिए आप और बस यहां से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिए। 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.5, ब्रेथ की वैल्यू 1.25 प्लस ब्रेथ 1.25, हाइट कितनी है 0.65 प्लस 0.65 इंटू एल आपके पास है 1.5, माइनस लेंथ कितनी है आपके पास 1.5
एंड ब्रेथ कितनी है 1.25। अब इसे आई होप आप इजिली कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करके आपके पास का जो फाइनल आंसर आपको गेट हो जाएगा गाइस, वो कितना गेट हो जाएगा ध्यान से समझेंगे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है इसकी। कैलकुलेशन क्या करना है, आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू गेट होगी आपको 7.325 माइनस। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे गाइस तो इसे कैलकुलेट करने पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.875। तो जब फाइनली आप इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करके आपके पास जो वैल्यू गेट हो जाएगी वो हो जाएगी गाइस 5.45 मीटर स्क्वायर। आई होप गाइस अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके तो ये जो कैलकुलेशन वर्क देखो, ये आप एज योर चॉइस, आपको पता है कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ओके गाइज, तो गाइज अब चलते पॉइंट नंबर टू की तरफ। पॉइंट नंबर टू क्या कह रहा था मेरे को, पॉइंट नंबर टू कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 meter square ऑफ रुपीज कॉस्ट 20। यानी गाइज इसने आपको बताया कि जो कॉस्ट है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 1 meter square वो है 20 rupees। और तो टोटल शीट आपने कितनी लगाई है इसमें, इसमें जो टोटल शीट यूज़ हो रही है वो कितनी हो रही है 5.45। तो 5.45 है तो आप भी बताओ कितने एरिया पे कवर हो रही है, इसकी कॉस्ट कितनी हो रही है उस एरिया की। तो द कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 1 meter square की कॉस्ट 20 rupees। तो 5.45 की कॉस्ट कितनी होगी, इससे क्या कर लीजिए आप, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गेट हो जाएगा 109। ओके आई होप गाइज आपको ये पॉइंट भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट एग्जांपल गाइज। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 meter 4 meter एंड 3 meter। उसने आपको लेंथ गिवन कर दी है 5 meter, ब्रेथ गिवन कर दिया उसने आपको 4 meter एंड हाइट गिवन कर दिया उसने आपको 3 meter। ओके अब क्या पूछेगा इस वो कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सेलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक रूम तैयार किया गया था लेंथ ब्रेथ हाइट इतने इस टाइप का, उसने कहा कि उसकी मुझे क्या करनी है, वाइट वॉश की कॉस्ट बतानी है टोटल वाइट कॉस्ट, और उसमें सेलिंग भी की गई है, उस सेलिंग में जो कॉस्ट बताई है उसने 7.50 पर मीटर स्क्वायर। सेलिंग हो रही है तो ऑब्वियसली जब सेलिंग होती है तो गाइज आपको पता है उसमें लेंथ भी आ जाती है और उसमें गाइज ब्रेथ भी आ जाती है, ठीक है ना। सेलिंग में ध्यान रखना, जब भी सेलिंग की जाएगी तो सेलिंग में क्या आती है, लेंथ भी आती है और ब्रेथ भी आती है। ओके तो सबसे पहले एक बात होता है, जब तुम वॉल्स पे वाइट वॉश करोगे तो वॉल्स कितनी होती है, 4 walls होती है। तो 4 walls का एरिया निकालो, सबसे पहले किसका एरिया निकालने होंगे, 4 walls का एरिया, एरिया ऑफ 4 walls। ओके एरिया ऑफ 4 walls कितना होता है, 2l + b × h, क्योंकि आपको पता है इसमें टॉप और बॉटम लेफ्ट हो जाते हैं, केवल ओनली वॉल्स बचती है, यानी 4 की 4 walls, केवल 4 walls का एरिया होता है 2l + b × h। यहाँ से एरिया निकल के आया है इसके पास 2, लेंथ हो गई 5, ब्रेथ हो गई 4, हाइट हो गई 3। तो 5 × 4 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, ये आपके पास आ गया 54 meter square। ये तो है एरिया ऑफ 4 walls। अब सेलिंग भी आ गई है तो इसका भी एरिया निकालो, क्योंकि सेलिंग आने का छत पे, छत है तो यानी इसका मतलब क्या, इसमें लेंथ भी आती है और ब्रेथ भी आती है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का काम चलता है। तो एरिया ऑफ सेलिंग का निकाला एरिया आपने कितना आया, एरिया ऑफ सेलिंग का एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 4, कितना आ गया 20 meter square। तो टोटल एरिया कितना हो गया आपके पास ये बता दो, इसका जो टोटल एरिया हो गया वो टोटल एरिया हो गया एरिया ऑफ 4 walls प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, कितना हो गया आपके पास गेट हुआ था 54 + 20, इट मीन्स आपके पास आ गया 74 meter square। ओके ये तो आया टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड है। अब इस टोटल एरिया पे क्या होनी है, वाइट वॉश होनी है। वाइट वॉश होने की जो उसने कॉस्ट बताई है भाई, सेलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50, यानी एक एरिया की कॉस्ट उसने बता दी है मुझे कितनी, 7.50 rupees, 1 meter square की कॉस्ट कितनी है 7.50 rupees। तो ये बताइए 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, रुपीज 7.50 × 74। इसे कैलकुलेट करके आप टोटल इसके रुपीज निकाल लेंगे, तो टोटल जिसके रुपीज आएंगे जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 555 rupees इसके टोटल आपको गेट हो जाएंगे। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज समझिए बात को, क्योंकि जब आप व्हाइट वॉश करते हैं तो आप फर्श पे व्हाइट वॉश नहीं करेंगे, सेलिंग यानी छत पे व्हाइट सेलिंग लगती है, तो सेलिंग वहीं पे
ही उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होती है, वाइट वॉश होती है। ओके, तो आई होप आप पॉइंट आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें टॉप इंक्लूड हो गया, बॉटम लेफ्ट हो गया। और फोर वॉल्स का एरिया क्या होता है, फोर वॉल्स का एरिया होता है 2L+B × H। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो लिखा है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल होल हैज़ अ पैरामीटर 250 meters। उसने कहा एक रेक्टेंगुलर होल है, उसके फ्लोर का जो पैरामीटर है वो 250 meters दे दिया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10/m² इज ₹15,000। उसने कहा कि एक मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट लगती है 10, और टोटल जो कॉस्ट लग चुकी है उस फोर वॉल्स पे वो लग चुकी है टोटल कॉस्ट ₹15,000 टोटल कॉस्ट। तो देन फाइंड द हाइट ऑफ द होल। तो गाइज अब इस पॉइंट को समझ के चलेंगे बहुत ध्यान से। आप एक पॉइंट को समझिए, मुझे यदि क्या गेट करना हो, एरिया गेट करना हो, तो मुझे सबसे पहले एरिया गेट करने के लिए पहले प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक मीटर स्क्वायर पर ₹10 लग रहे हैं। तो टोटल मुझे क्या बताना है, पहले एरिया निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकालूँ समझिए भाई, एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹10, ठीक है, यानी ₹10 उसने दिए मुझे एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट के। तो ₹1 पे कितना मीटर बैठेगा, 1/10m², और बताइए 15,000 rupees पे कितना एरिया बैठेगा, 15,000/10m². तो इट मीन्स 1500m² बैठेगा 15,000 rupees पर, यानी ये एरिया आ गया मेरे पास फोर वॉल्स का, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या गेट हो गया, ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना गेट हो गया, 15,000m² और आपको पता है एरिया फोर वॉल्स कितना होता है, 2L+B × H, कितना गेट हो गया 15,000। अब आपको क्वेश्चन में उसने कुछ चीज़ गिवन की थी, उसने दिया था द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल होल हैज़ ए पैरामीटर 250 meters। उसने क्या गिवन किया गया है आपको, जो पैरामीटर है वो कितना गिवन किया उसने, 250 meters का एक पैरामीटर गिवन किया है। इट मीन्स मतलब क्या है, इसका साइंस समझिए, 250 meters का पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है गाइस, आपको बताते हैं, मैंने आपको समझाया भी था बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में। यदि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में हम बात करें तो वो होता है 2L+B, और उसने मुझे कितना दे दिया, ये आपको 250 meters दे रखा है 2L+B की वैल्यू। ओके, अब आप एक काम कीजिए ना, ये जो कंडीशन फर्स्ट आई आपके पास, इसमें जो 2L+B लिखा हुआ है इसके रिप्लेस पे क्या लिख दें, 250 meters। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, आपके पास आ गया 250 × H इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई है 1500/250, कैंसिल आउट हो गया 6 times, तो आपके पास H की वैल्यू गेट हो गई है 6 meters। और आई होप आपसे यही पूछा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ द होल, देखिए लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द होल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है गाइज आपके पास, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, इट मीन्स जो ग्रीन हाउस है वो एक हर्बेरियम टाइप का, और हर्बेरियम मतलब होता है क्यूबॉइड, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। जब हम ग्लास पेन्स यूज करें इसका मतलब क्या होगा, वो इंक्लूडिंग क्या करेगा, बेस को करेगा, वाइड एंड 25 centimeters आपको उसने गिवन किया हुआ है। यहाँ पर जो उसने 25 centimeters बताया है वो उसने बताया है हाइट, ठीक है ना। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास एंड हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 ages। ओके गाइज, तो गाइज ये क्वेश्चन था। अब गाइज आप एक पॉइंट समझिए, बस इसमें थोड़ा सा एक छूट गई एक लाइन गाइज, वो से समझते हैं क्या थी गाइज। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, मैंने आपको बताया भी क्यूबॉइड टाइप का होता है, ठीक है ना, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। बस यहाँ से एक लाइन ऐड होनी है गाइज, वो होनी है हेल्ड टूगेदर विद टेप, यानी वो टेप के साथ की गई है, होल्ड की गई है, ठीक है गाइज। और उसमें बताया उसने जो इसकी वाइड है वो 25 centimeters की है, हाइट 25 centimeters है, और जो लॉन्ग है या जो लेंथ है वो कितनी है, 30 centimeters की है। उसने पूछा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, मुझे ग्लास का एरिया बताना। आप मुझे एक बात बताइए गाइज, मेरे पास लेंथ कितनी गिवन की है उसने मुझे, जो लेंथ गिवन की है वो 30 centimeters, ब्रेथ कितनी गिवन की है उसने मेरे को, ब्रेथ गिवन की है उसने मेरे को
25 सेंटीमीटर, और उसने मुझे हाइट गिवन की है वो भी 25 सेंटीमीटर है। तो मुझसे उसने पहला पॉइंट पूछा एरिया ऑफ ग्लास। ये मुझे बताओ जब मुझे इस हर्बेरियम पे ग्लास लगाना होगा तो उसके टोटल सरफेस एरिया पे ग्लास लगाऊंगा, तो टोटल सरफेस एरिया इसका मतलब कितना हो गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम, और हर्बेरियम कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, तो क्यूबॉइड शेप का टोटल सर्फेस एरिया 2lb + bh + hl होता है। इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 230 × 25 + 25 × 25 + 25 × 30, ये कैलकुलेट आ जाएगा आपको करके 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन को तो ये 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गेट हो जाएगा। ओके गाइस, अब गाइस उसने क्या कहा, सेकंड पॉइंट जो कहा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने कहा हाउ मच ऑफ टेप, यानी आपको कितने टेप की नीड होगी, इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। कितनी एजेस कह दी उसने, आपके पास 12 एजेस है ठीक है ना, उसमें टेप को कितना यूज़ किया जा सकता है। अब आप एक बात बताइए, जब एजेस 12 होते हैं आपके पास, एजेस कितनी हो गई है, उसने एजेस गिवन की है, 12 एजेस गिवन की हुई है, तो जब भी 12 एजेस होंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप इसमें कि जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी वो 4-4 में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हर्बेरियम एक क्यूबॉइड शेप का है, यदि वो क्यूबॉइड शेप का तो उसके मतलब इसमें 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 ही हाइट होती है। क्यूबॉइड शेप में 12 एजेस में 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट होती है। ओके, आई होप आप मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। तो यानी उसने मुझसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द टेप, टेप की टोटल लेंथ कितनी होगी भाई, जितनी लेंथ कितनी होगी टेप की भाई, क्यूबॉइड के भारी शेप पे तो लगेगी, आउटर पे तो लगेगी, यानी उनकी एजेस पे लगेगी, और एजेस कितनी है आपके पास 12, और 12 एजेस में 4 है लेंथ, 4 है ब्रेथ, 4 है हाइट, इट मीन्स 4 कॉमन, l + b + h, कैलकुलेट कीजिए, 4l की वैल्यू आपके पास 30 25 25 हो गया आपके पास, 4 × 80 हो गया आपके पास, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 320 सेंटीमीटर, यानी इतनी आपके पास टेप यूज हो जाएगी। होप गाइस ये क्वेश्चंस भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, चलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड अ डायगोनल ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। उसने कहा एक क्यूब है, उस क्यूब का आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया बताइए और साथ में उसका डायगोनल भी बताइए, क्यूब का जिसकी साइड यानी जिसकी एज इज 11 सेंटीमीटर है। तो गाइस देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आपको उसने एज दे दी यानी इट मीन साइड दे दी है, साइड कितने गिवन की उसने 11 सेंटीमीटर। आपको पता है गाइस सरफेस एरिया उसने लिखा है यहाँ पे, गाइस सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होता है, जब कुछ नहीं लिखा था इसका मतलब हम मान के चलते हैं टोटल सरफेस एरिया गिवन कर दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6 × साइड स्क्वायर, याद कीजिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है इसका, तो 6 × साइड स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर हो गया, तो 6 × 121 हो गया, 6 × 1 6 × 2 6 × 7 726 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कैलकुलेशन वर्क आ गया, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया आपको गेट हो गया क्यूब का। ओके गाइज, अब यदि बात मैं करूँ डायगोनल को लेकर, तो डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है आपको याद भी होगा, मैंने इसका एक फॉर्मूला भी नोट कर रखा है आपको, डायगोनल ऑफ क्यूब का होता था √3, याद आ गया होगा आपको, साइड कितनी है 11 और √3, ये आपके पास आंसर आ गया इतने सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन आपको एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके लिए, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक पूरी एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एज 12 सेंटीमीटर है, उसको इस कट किया गया इंटू 8 क्यूब्स में, कितनी क्यूब्स में 8 क्यूब्स में ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। इट मीन्स इसका सेंस ये कहना क्या चाह रहा है कि एक सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल है। ओके, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो आपने न्यू क्यूब बनाई है उस क्यूब की साइड कितनी है, एंड आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, और उनके सरफेस एरियाज के बिटवीन हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। ये दो क्वेश्चन उसने पूछे, सबसे पहले साइड बतानी है उसके बाद हमें उनके सरफेस के एरियाज में
रेशो बताना है। आप मुझसे एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना गाइस। उसने कहा कि एक सॉलिड क्यूब है, सपोज दैट ये एक सबसे बड़ी क्यूब है, ठीक है, और ये सॉलिड क्यूब, ये पूरी की पूरी एक सॉलिड क्यूब है आपके पास, ठीक है, और ये जो सॉलिड क्यूब है गाइस, ये सॉलिड क्यूब कट हो रही है एट छोटी छोटी क्यूब्स में, इस तरह की कोई छोटी छोटी एट क्यूब्स हैं, उसमें क्या हो रही है, कट हो गई है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी क्यूब्स हैं, ये बड़ी एक क्यूब एक एट क्यूब्स में क्या हो रही है, कट हो रही है गाइस। ओके, मुझे एक बात बताइए, बड़ी क्यूब है तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, इसने कहा है, इसने ये कहा है कि जो बड़ी क्यूब को, सॉलिड क्यूब को जब आप कट करते हो एट पीसेस के, तो इन दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो यानी जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब है वो किसके इक्वल होगी, एट इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, ठीक है। तो सॉलिड क्यूब की क्या होता है फॉर्मूला भाई, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है इसका, सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब, और इसकी साइड क्यूब कितनी है मेरे पास, देखिए इसकी साइड कितनी है मेरे पास, इस बड़े क्यूब की, सॉलिड क्यूब की, उसने मुझे बता रखी है बड़े सॉलिड क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, यानी इसकी तो उसने हर साइड मुझे 12 सेंटीमीटर की गिवन की हुई है, ठीक है ना। बट मुझे इसकी साइड नहीं पता, मैंने इसकी साइड क्या कह दी है, एक्स है, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 12 क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होगी आपके पास, एक्स क्यूब। आई होप ये पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर होगा, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया आपके पास, ठीक है ना। देखो 2 4 2 6 2 2 2 6 2 6, तो एक्स क्यूब कितना आया, 6 × 6 × 6, इट मीन्स आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू गेट होगी 6 क्यूब, क्यूब से क्यूब कंपेयरिंग, यानी कितना गेट हो गया, एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये एक्स क्या था आपके पास, ये जो आपने बड़ी सॉलिड क्यूब को डिवाइड किया था एट छोटे छोटे क्यूब में, उसकी साइड लेट की हुई थी हमने, और साइड कितनी गेट होगी आपको, एक्स सेंटीमीटर। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ इन क्वेश्चनों में। ओके, अब उसने क्या पूछा, इनका सरफेस एरिया, पहले तो मैं सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया गेट कर लेता हूँ, कि सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा आप मुझे बताएंगे, सरफेस एरियाज का जो जो आपने गेट किया सरफेस एरियाज, ठीक है ना, सॉलिड क्यूब का वो कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और सॉलिड क्यूब की साइड कितनी थी, 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया आपके पास, यानी 6 × 144 आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद सरफेस एरिया, जब भी सरफेस कहता हूँ तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो छोटी छोटी भी क्यूब बनाई गई थी उसके साइड कितने, 6 × साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी 6 × 36 हो गया आपके पास। इनका रेशो निकाल दो, रेशो कैसे निकाल लेंगे गाइस, रेशो मतलब सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितनी आ जाएगा आपके पास इनका रेशो, आप बताएंगे अब रेशो कितना आएगा, देखिए ऊपर आएगा 6 × 144, नीचे आ गया आपके पास 6 × 36, देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो रेशो मुझे गेट हो गया वो 4:1 गेट हो गया सरफेस एरियाज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, चलते हैं गाइज एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज क्या लिखा हुआ, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप है, हाउ मैनी लीटर्स, लीटर्स इट मीन्स वॉल्यूम, ठीक है ना। तो क्योंकि जो लिक्विड पार्ट होता है ना, क्योंकि वाटर के बारे में बात कर रहा, क्योंकि टैंक में वाटर डालेगा तो इसका मतलब क्या, लिक्विड पार्ट आ गया, लिक्विड का हमेशा क्या निकलते हैं, लीटर्स निकलते हैं। ये नहीं कहते कि भाई दूध मुझे इतने किलो दे दे, इतने किलो बोलते हैं ना हम लोग, दूध 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, नहीं, ये क्या होता है कि जो मिल्क लिया जाता है या वाटर लिया जाता है वो हमेशा लीटर में लिया जाता है, यानी 2 लीटर्स दूध दे दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए, इसलिए बोला जाता है। ओके ना, जब भी आप लोग शॉप पे जाते हो किसी डेयरी वाले शॉप पे, तो आप ऐसे ही तो बोलते हो भाई 2 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, 2 लीटर दूध दे दीजिए आप मेरे को, क्योंकि जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो हमेशा लीटर में मेज़र किया जाता है, किसमें मेज़र किया जाएगा गाइस, मीटर में, ठीक है ना। तो लीटर में जब आप उसे मेज़र करेंगे गाइस, तो उसे किलोमीटर में फिर मेज़र नहीं करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या लिखा, क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग है, आपको 6 मीटर लॉन्ग उसने बताया है यहाँ पर, एंड 5 मीटर वाइड कह दिया उसने। ओके, और उसकी जो हाइट दे दी उसने, डेप्थ मतलब डीप मतलब हाइट, 4.5 मीटर दे दिया है। हाउ मैनी लीटर्स, इट मीन्स वॉल्यूम्स पूछ लिया आपसे, ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, हाउ मैनी लीटर्स, हमें लीटर में बताना है। पहले तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, वाटर टैंक का वॉल्यूम गेट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि जो वाटर टैंक होता है
वो एक क्यूबॉइडल टाइप का होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक, तो कितना हो जाएगा वाटर टैंक का क्यूबॉइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम हो जाएगा गाइज इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इट मीन्स 6 × 5 × 4.5। ओके, तो आपके पास कितना गेट हो गया? आपके पास गेट हो गया है गाइज यहाँ पे फाइनली आपको कैलकुलेट करके 135 मीटर स्क्वायर। कितना गेट हो गया? 135 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालने तो मीटर क्यूब में आ जाएगी। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप कि जो 1 मीटर क्यूब होती है उसमें कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। और आपको अपने वाटर टैंक को यानी जो वाटर है टैंक के अंदर उसे लीटर में मेज़र करना है, तो आपको पता लगेगा कि भाई 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। तो 135 मीटर क्यूब में कितने लीटर वाटर है? तो उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 135 × 1000 लीटर, तो यानी 135000 इतने लीटर उस टैंक के अंदर वाटर होल्ड होगा। आई होप गाइस ये भी क्वेश्चन अब आपको अच्छे से मेरा क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, चलते हैं गाइस एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। उसने कहा एक विलेज है यानी एक गाँव है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 4000 की है, और उसमें जो पर डे पर व्यक्ति को जो वाटर की नीड होती है वो होती है 150 लीटर। इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर and 15 मीटर and 6 मीटर। और टैंक की जो मेजरमेंट है वो 20 मीटर 15 मीटर and 6 मीटर है। फॉर हाउ मैनी डेज, ऐसे कितने दिनों में विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट यानी पानी ख़त्म हो जाएगा? ऐसे कितने दिनों में टैंक का वो पानी ख़त्म होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना? तो गाइज पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो। आप पहले ये गेट करो कि उस टैंक के अंदर कितना पानी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना? यानी उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी, इस टैंक की कैपेसिटी निकालनी। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना होगा? आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का वॉल्यूम कितना, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आ गई उसके अंदर। लेंथ है 20, 15 and 6, ब्रेथ होगी 15, हाइट होगी 6। कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25, 3, 6, 18, तो आपके पास 1800 मीटर क्यूब आ गया इस टैंक की टोटल कैपेसिटी। तो आपने टैंक की टोटल कैपेसिटी तो ये निकाल दी, यानी टैंक के अंदर इतना पानी होल्ड हो सकता है, ठीक है ना? अब मुझे क्या बताया उसने, मुझे टोटल रिक्वायरमेंट दी वन पर्सन की पर डे की, है ना? तो जो मुझे उसने वाटर रिक्वायर्ड कर रखा है वो वाटर रिक्वायर्ड कितना कर रखा है उसने, वाटर रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन पर डे, यानी एक पर्सन की एक दिन की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो है 150 लीटर। तो मेरे पास ये एक पर्सन की है पर हेड, ठीक है ना? मेरे पास उस गांव में विलेज में कितनी पॉपुलेशन है टोटल? 4000। तो 4000 की पर्सन की जो पर्सन है 4000 पर्सन की पर डे कितने लीटर वाटर की नीड होगी? 4000 से मल्टीप्लाई, ये आ गया लीटर में। अभी मैंने आपसे बात की थी गाइस क्या कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब हुए, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1/1000 मीटर क्यूब। और ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये भी किस में निकाल रहा हूँ? लीटर में, तो इसे भी मीटर में बना लो। तो यानी 150 × 4000 लीटर में कितने मीटर हो गए? तो इसकी मल्टीप्लाई 150 × 4000 / 1000 000, तो यानी 600 मीटर क्यूब, यानी 4000 पर्संस को पर डे इतने मीटर क्यूब, यानी जो टैंक है इतना मीटर क्यूब का एरिया कवर, सॉरी वॉल्यूम कवर करेगा उस टैंक का, ठीक है ना गाइस? तो आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यानी टैंक का कितना एरिया कवर कर रहा है? 600 मीटर क्यूब एरिया कवर करेगा एक दिन में। कितने पर्सन? 4000 पर्सन एक दिन में उस टैंक का कितनी कैपेसिटी, यानी कितना एरिया कवर, उसका वॉल्यूम कितना स्पेस कवर करें? 600 मीटर क्यूब का स्पेस कवर करेंगे।
आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोटल टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता था वो आपने बताया, टोटल टैंक के अंदर 1800 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। तो टोटल 1800 मीटर क्यूब आपको पता लग गया, एक दिन का पता लग गया कि इतना स्पेस वो कवर कर रहा है, यानी इतना पानी वो यूज़ कर रहा है। टोटल पानी कितना उसमें 1800, एक दिन का पानी वेस्टेज कितना हो रहा है 600, तो टोटल कितने दिन चल सकता है उस टैंक का पानी वो आपको बताना है। तो ठीक है, तो कैसे बताएंगे बात समझिए, यदि आपको डेज बताने हैं तो डेज बताने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल सा पॉइंट, टोटल टैंक के अंदर पानी कितना है 18, उसमें डेली यूज़ कितना हो रहा है, एक दिन में कितना यूज़ हो रहा है 600, डिवाइड कर दो तो पता लग जाए कितने दिन पानी चलेगा उस टैंक का, तो आपको आपके पास आ गया यानी 3 डेज उस टैंक का पानी चलेगा। यानी जिस टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 1800 मीटर क्यूब की, इसका मतलब क्या, टैंक में इतना पानी इन्वॉल्व हो सकता है, इतना होल्ड हो सकता है, तो उसमें डेज कितने निकल कर आते हैं 3 डेज आ जाते हैं। आई होप गाइज ये भी अब आपको अच्छे से मेरा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन की हम क्या नीड है इस क्वेश्चन की। ओके गाइज, तो गाइज ये थे क्यूब एंड क्यूबॉइड पर डिपेंड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हमारे पास वो आने वाली है राइट सर्कुलर सिलेंडर को लेकर गाइज। ओके गाइज, यदि किसी को भी इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।